अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने साथ एक चीज़ का रिव्यू शेयर करने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ करें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे। हाँ जी, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ, जैसे आप ये भी देख रहे हो कि ये कोई न्यूज़ ही प्रोडक्ट लेके आई हूँ मैं आप लोगों के दिखाने के लिए और इसका रिव्यू देने के लिए आई हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी मैसेज किए कि जी हमें कोई अच्छा फाउंडेशन बता दें, अच्छा किस तरह का है, उसके साथ स्पंज अच्छा होना चाहिए कि नहीं है, उस तरह का सारा मुझे ना इसके बारे में लोगों ने काफ़ी कमेंट किए। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, लोगों के लिए मैं एक चीज़ परचेज करूँ और इसका रिव्यू उनके साथ मिलकर ही शेयर करूँ और उनके सामने ही ओपन करूँ कि क्या चीज़ आई थी। पैकिंग इसकी बड़ी अच्छी आई थी, आप लोग भी इसको बाय करें, मुझे तो देखने में अच्छा लग रहा है। लेट्स सी खोल के इसका क्या बनता है। लेट्स ओपन इट फटाफट। इसकी पैकेज भी स्टार्ट हो रही है। नई चीज़ें खोलने का मुझे अपना बड़ा मज़ा आता है जी, कि किस तरह खुलती हैं, क्या चीज़ है इनका। चीज़ें के साथ तो खुलना कोई नहीं चले जी, हम अपने हैंडली खोलते हैं चीज़ों को। मुझे चीज़ें खोलने का बड़ा मज़ा आता है ऐसे करके खोलने का। हेलो, तो आप लोग ये देख रहे हैं, आपके सामने मैंने ओपन किया है। अब जी इसके डब्बे पे तो ज़ोडिक वालों का ये देखें जी, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं इसका मशरूम पफ दिया है जो इसके अंदर से निकलेगा। और ये सारा चाइना का है, तो ये लेट्स सी क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। आए आपके सामने ओपन करते हैं। वाओ, ब्यूटीफुली पैक। ये देखें जी पफ कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने पैक करके रखा हुआ है। एक ब्लैक सी सैक सी कोई बना के रखी हुई है। और ये देखें जी इसका ये पफ, मशरूम पफ जो है बड़ा सॉफ्ट सा, बहुत लाइट सा, पंचिंग के लिए बहुत प्यारा सा है। ये देखें जी इसके अंदर से ये निकला। अब इसके अंदर से ये हम निकालेंगे एयर कुशन फाउंडेशन। आप इसके पहले देखो, आउटलेट देख लो इसका सारा, ये ऐसा होगा। मैंने जिनसे ऑर्डर किया है उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं जी हमने किया ऑर्डर वो कुछ और शेप का होता है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। ये देखो आप इसका सारा ये मशरूम पफ, ठीक है। अब मैं आपको इसके साथ इसका खोल के दिखाती हूँ। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। ये इन्होंने ओपनिंग का ये बनाया हुआ है, यहाँ से ओपन करेंगे जी। ये यहाँ से आपके सामने मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखो पैकिंग और क्वालिटी वाइज तो सब चीज़ें ठीक लग रही हैं। ये जी इसके साथ उन्होंने ना अच्छी सी पैकिंग पहले ऊपर एक लग, इनकी पैकिंग मुझे बड़ी पसंद आई है। वरना कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं बंदा ऑनलाइन ऑर्डर करता है, पहले से अनब्रोकन सब चीज़ें होती हैं और सब कुछ दिखा है। लेकिन आपके सामने मैंने ओपन किया है, हर चीज़ इसकी बड़ी अच्छी थी, पैकिंग इसकी बड़ी अच्छी थी। और जी ये देखें जी इसका इन्होंने बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन इसके ऊपर फाउंडेशन में बनाया हुआ है। तो अब इसके साथ हम लोगों ने इस तरह ये हम मशरूम पफ को पकड़ेंगे, ये इसके कंडीशनर के साथ यूँ स्पंज आउट करेंगे। देखें स्पंज पे भी कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है। वाओ, और अब इसको हम ज़्यादा स्पंजी करके अपने हाथ पे बेस को इस तरह अप्लाई करेंगे। वाओ, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बड़ा स्मूथी सा है, बड़ा ये है। और ऐसे लग भी नहीं रहा, वरना कुछ फाउंडेशन होते हैं वो काफ़ी आपको जो है ना पेस्ट्री टाइप लुक दे देते हैं या कुछ ऐसे, लेकिन ये फ़ौरन ही आपके स्किन के साथ मैच हो गया है। देखें वाओ, मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद आई है इसका। स्पेशली ये जो चीज़ बड़ी प्यारी बन के आती है ऊपर से डिज़ाइन सा, ये बड़ा प्यारा बनता हुआ आ रहा है। तो जो इस चीज़ों को पसंद करने वाले उनके लिए तो ये जी बड़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है। आप लोगों के सामने मैंने ये सारा अपने हैंड पे अप्लाई किया है और जो इसको अच्छी तरह स्पंज को मैंने वो ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अब देखें जी रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है इसका। तो मैं तो आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इन लोगों से लें और ऑर्डर करें। ये सबसे अच्छी फाउंडेशन है और इसका टेक्सचर भी बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा है, ना ही लाके पेस्ट्री लुक नहीं इसकी दे रही, मुझे तो इसका बहुत पसंद है। ये देखें जी मैंने इसको प्रेस किया है, क्वालिटी इसकी अगर अंदर ये देखें कितना इसके अंदर से निकला है फाउंडेशन, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। आपको लगा के बहुत ही लाइट वेट सब, मुझे तो खासकर चीज़ें वो पसंद आती हैं जो आपको नेचुरल लुक में दें। आजकल न्यूड लुक बहुत चल रही है तो ये उनके लिए बेस फाउंडेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि आपको मैंने इधर लगाकर भी देखी है। मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अब मैं आप लोगों को भी हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी इन लोगों से बाय करें, ज़ोडिक वालों से बाय करें। ये बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट मेकअप है जिनको बहुत ज़रूरत होती है। आजकल कॉलेज गर्ल्स को यूनिवर्सिटी में करके जाना होता है, पार्टी मेकअप इसमें चाहिए होता है, बिल्कुल हल्को सी
फाउंडेशन वाला लुक चाहिए होता है तो वो बिल्कुल ये इस चीज़ को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इनको लें। ये दूसरा मेरी सिस्टर ने भी मुझे कहा कि मेरे लिए भी ऑर्डर करो, तो हम दोनों ने मिलकर ये चीज़ ऑर्डर की है। पैकिंग आप लोगों के सामने मैंने खोली है इनकी, ये दो चीज़ें हैं इनकी, और इनकी पैकिंग भी बड़ी अच्छी तरीके से आई है, सब नीट लुक में आई है। मैं तो आप लोगों को आपके सामने ये मैंने अप्लाई की है। अब मैं आपको एक और चीज़ भी फाउंडेशन चेक करने के लिए होती है कि जी ये वाटरप्रूफ भी है कि नहीं है। कुछ होता है ना कि वो चीज़ों पसीना, आजकल गर्मी है तो शादियों में स्वेटिंग काफ़ी होती है, तो पसीने की वजह से मेकअप लोगों के काफ़ी डल हो जाते हैं, तो मैं आज आपको वो भी टेस्ट करवा ही दूँ। ये मेरे पास हेयर पाउडर है ब्लैक कलर में, ये मैं इधर अपनी इस पर लगाया हाथ पर, मैं आपके सामने मिक्स करूँ अच्छे से इस काले बन को। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं ताकि एक गंदी सी लेयर ब्लैक सी बन जाए, डस्टी सी लुक जो इस रंग की होती है वो लग गई है। अब मैं ये टिश्यू लूँगी कि अभी मैंने ये चेक करना है कि जी ये अब फाउंडेशन रियल है कि ये लगा भी रहेगा या पानी से रिमूव हो जाएगा, ये मैं उस चीज़ के लिए टेस्ट कर रही हूँ। ये आपके सामने ये मैंने गीला किया टिश्यू, ये देखिए बिल्कुल भी फाउंडेशन इसका रिमूव हुआ, बिल्कुल उसी तरह ही स्मूथ सा टेक्सचर है जो इसके साथ ऊपर हाथ में लगा हुआ है। और ये देखें जी, ये सिर्फ कालक को उसने साफ किया, कोई फाउंडेशन आपके सामने कोई लगी भी नहीं आई है। ये देखें, ये सिर्फ ब्लैकनेस है सारी आपके सामने, ये सारा कुछ ये देखें, सिर्फ जो उसने डस्ट थी ब्लैक एरिया जो था उसने सब उसको नीट किया। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है, मैं तो खासली घर वालों को भी अपने रिकमेंड करने वाली हूँ कि ये लगाएं। तो आप लोगों तो मेरे अपने फैमिली की तरह ही हैं, आप लोग भी, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी लगाएं। मुझे तो ये चीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, आप लोग भी लें। ये ज़ोरिक कंपनी बहुत अच्छी है, इनकी जेन्युइन प्रोडक्ट होती हैं कॉस्मेटिक की। बाकी भी इनकी ट्राई करूँगी, और अगर आप लोगों को इनकी तरफ से कुछ और का भी मुझे रिव्यू चाहिए होगा तो आप मुझे काइंडली बताइएगा, फिर मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर आपको बताऊँगी इस बारे में सारा कुछ। तो मैं तो जी आपको बहुत रिकमेंड करने वाली हूँ। वैसे भी इसमें एक दो चीज़ और भी हैं कि ये थोड़ा फेयर लुक में भी है इनके पास, और थोड़ा अगर किसी को बेज कलर में, मतलब थोड़ा डल शेड में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है इनके लिए। बाकी अगर आप लोगों को इनकी प्रोडक्ट को बाय करना है, अगर आपने इस चीज़ को बाय करना है, तो मैं इस चीज़ का लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनको वहाँ से जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईजिली आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। वरना लोगों को कुछ ये भी होता है कि जी आप नीचे लिंक नहीं शेयर करते हो, फिर हमें वो चीज़ ढूंढनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि किधर से मिलेगी ये। तो लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी कर दिया है, आप नीचे जाओ वहाँ पे जाके चेक करो, और उनकी वेबसाइट पे आप जाके इसको अवेल कर सकते हो। थैंक यू गाइस आप लोगों को मेरे वीडियोस देखने के लिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू कमेंट भी, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों ने लिया तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा इसका रिजल्ट। थैंक यू गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।